नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लेटेस्ट नोटिफिकेशन में। आज दोस्तों मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ DBT बैंक खाता, KYC, बैंक खाते में आधार कार्ड लिंक का स्टेटस, ये सारी चीज़ें कैसे चेक करें। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और अंत तक वीडियो को देखिए। बहुत सारे लोगों का बैंक में KYC है भी, बहुत सारे लोगों का बैंक में KYC नहीं भी है, लेकिन इस चीज़ को चेक आप कैसे कर सकते हैं? आपके पास कोई स्पेशल आईडी तो है नहीं, ये सारी आईडी तो नगर निगम के पास होती है। बहुत सारी बहनें आंगनबाड़ी में जाती हैं, लंबी लाइनों में खड़ी होती हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि आपका तो आधार कार्ड बैंक में लिंक ही नहीं है। तो इस चीज़ को आप कैसे चेक कर सकते हैं? समग्र आईडी में आधार कार्ड लिंक नहीं है, बैंक में आधार कार्ड लिंक नहीं है, या आपकी KYC है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आप कैसे चेक कर सकते हैं मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। सबसे पहले आपको चले जाना है लाडली बहना के आधिकारिक पोर्टल पर, यानी कि CM लाडली बहना MP गवर्नमेंट लिख के आप जैसे ही सर्च करेंगे गूगल पर, तो ये लिखने के बाद आपको एंटर दबाना है और आपके सामने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का आधिकारिक पोर्टल खुल जाएगा। इसके बाद में आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का उनका आधिकारिक पोर्टल खुल जाएगा। आपको इस पोर्टल को खुलने के बाद में यहाँ पर जाना है आधार DBT की स्थिति पर। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ आधार DBT की स्थिति पर क्लिक करेंगे, आपके सामने NPCI की वेबसाइट खुल जाएगी। तो आपको यहाँ पर अपना समग्र ID दर्ज करना है और दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं राइट हैंड साइड पर आपको समग्र में सदस्य ID दिख रही होगी। सदस्य ID जो होती है वो 9 अंकों की होती है, तो आपको ये 9 अंकों की सदस्य ID यहाँ पर फिल कर देनी है। मैंने फिल कर दी है और आपको यहाँ पर अपना कैप्चा कोड भी फिल कर देना है। आप जैसे ही इसे लिख के सर्च करेंगे, आपके सामने ये चारों चीज़ें खुलकर आ जाएगी कि आपके समग्र में आपकी आधार की स्थिति क्या है। तो जैसा आप देख सकते हैं इसमें, हाँ बिल्कुल समग्र आधार से लिंक है। मोबाइल नंबर उपलब्ध है, जी हाँ बिल्कुल है। बैंक खाते में आधार की स्थिति है, बिल्कुल है। DBT सक्रिय स्थिति है, बिल्कुल है। और समग्र में फोटो उपलब्ध है, बिल्कुल है। तो जब आपके सामने ये पांचों के कॉलम में हाँ हाँ लिखा आ जाएगा, इन सभी में जब आप हाँ 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 देख सकते हैं, तब जाके आपको अपना जो लाडली बहना का फॉर्म है वो भरने जाना है। और आप जब फॉर्म भरेंगे, आपका फॉर्म कम से कम 2 मिनट के अंदर बड़ी ही आसानी से भर दिया जाएगा और आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। तो मेरी बहनों, अगर आप भी अपना फॉर्म बिना किसी परेशानी के भरना चाहते हैं तो इस चीज़ को बिल्कुल करें और लाडली बहना योजना का अधिक से अधिक फ़ायदा उठाएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। थैंक यू।